Sure, can you, do you think somewhere down the line that Door is a turning point in your career, and this is the second film which you are doing? How do you find it different? So what you have done in Door is absolutely different. मतलब फिर भी कहीं होता है कि एज एन एक्टर की हाँ मुझे कुछ खास लगा और मैंने हाँ कर दिया. जी 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 एक्चुअली डोर डेफिनेटली हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माय बॉलीवुड करियर, बिकॉज डोर के पहले मैं प्रोड्यूसर्स की ऑफिसेज में पिक्चर्स लेके घूमा करता था, और डोर के बाद आई हैड बिग डायरेक्टर्स हु न्यू मी बाय नेम, विच वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी एंड वेरी हम्बलिंग थिंग फॉर मी. और जहाँ की परफॉर्मेंसेज की बात करें, डोर भी मतलब नगेश जी एक बहुत ही रियलिस्टिक किस्म के डायरेक्टर है. उन्हें जिस तरह के परफॉर्मेंसेस चाहिए, उन्हें बनावटी फिल्मी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है. जब जिस तरह से मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसी तरह से उनको उस तरह की रियल परफॉर्मेंसेस चाहिए. एंड द सेम थिंग योगेश वॉन्टेड आउट ऑफ मी इन दिस फिल्म, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ डायरेक्टर योगेश इज. योगेश भी बहुत ही रियल किस्म की परफॉर्मेंसेज एक्सट्रैक्ट करना चाहता है. तो जहाँ की मेरा डोर का एक्सपीरियंस है, मुझे लगा वो मुझे बहुत काम आया ये फासले में काम करने के लिए, बिकॉज टेलीविजन में जो हम लोग एक्टिंग करते हैं वो थोड़ी ड्रामेटिक होती है, थोड़ी मतलब फिल्मी होती है, सो टू स्पीक. तो उस जोन से निकलने में मुझे डोर ने बहुत हेल्प किया, और फिर वही कैरी फॉरवर्ड मैंने ये फासले में भी किया है. और एज आई सेड अर्लियर, डोर हैज़ बिन द रीज़न वाई आई एम हियर इन बॉलीवुड टुडे. Rushad, the film is getting released in the fourth of this month, yes. After 2 days. Yes. Do you nervous somewhere down the line? आपके लिए डोर के अपने एक और ऑडियंस को कहीं रुशाद को अलग अलग किरदार में देख रहे हैं, एक अलग फिल्म में देख रहे हैं. जी जी. जहाँ पे अनुपम जी और टीना playing very important, even you are part of it. जी जी. कहीं nervous हैं आप? जी, मैं बहुत नर्वस हूँ, बिकॉज इस वक्त मेरे लिए मेरा करियर ये फासले पे ही डिपेंड करता है. ये फासले रिलीज़ के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं इस इंडस्ट्री में कहाँ खड़ा होता हूँ, मुझे लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर सच पूछे तो ये फासले के ऊपर ही मेरा सब कुछ निर्भर है. और मैं जानता हूँ कि ये एक फादर एंड डॉटर की रिलेशनशिप की स्टोरी है, अनुपम खेर साहब और टीना देसाई की कहानी है, लेकिन इसमें जिस तरह से योगेश ने मेरे कैरेक्टर को निखारा है और जिस तरह से मतलब उसने इस कैरेक्टर को बढ़ाया है, I have a lot of hopes from this film, at least for myself. Vishal, the last question. If you want to call the audience to the cheetah and watch this film, what would be your message? Well, my message to all the audiences would be that please come and watch Ye Faasle, because it is a very genuine film. It is an emotional story of a father and daughter. And when we talk of such universal emotions, I think all of us can relate to such a thing. And also because there are some good performances, there is a new director, and whenever there is a new director directs something, there is a lot of freshness which comes to the project. There are lots of new ideas, a lot of hard work put in, there is great music. It's a journey which I'm sure no one will regret being a part of. Matlab jab bhi log ye faasle dekhne ke liye theaters mein ghusenge, बाहर आएंगे कुछ ना कुछ लेकर, सम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, समथिंग टू स्माइल अबाउट, समथिंग टू क्राई अबाउट, समथिंग टू रिमेम्बर. तो आई थिंक वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस पाने के लिए लोगों को ये फासले देखनी चाहिए.